केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बैंकों के कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन द्वारा आहूत एक दिवसीय हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर इंडियन बैंक इलाहाबाद सिविल लाइन शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के कर्मचारी सम्मिलित हुए। प्रदर्शनकारी द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा, जिसमें कहा गया कि बैंकों का निजीकरण न किया जाए, विशाल कारपोरेट एनपीए की वसूली की जाए, बैंकों में पर्याप्त भर्ती की जाए, बैंकों के नियमित कार्यों में आउटसोर्सिंग रोकी जाए, बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना बनकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, सरकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला सचिव एमपी सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले बैंकों का निराकरण किया तथा अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। बड़े औद्योगिक घरानों को 6 बैंकों की बागडोर सौंपे, जोन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। प्रदर्शनकारियों में मनोज शर्मा, आशु चौधरी, विपिन गुप्ता, वेद प्रकाश, आशुतोष शर्मा, करण सिंह, वी के सक्सेना, अजय पाल सिंह, मनोज टंडन, देवेंद्र कुमार, प्रेम सिंह, नवीन चंद्र आदि लोग शामिल रहे। सर, पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम ऐश्वर्य सिंह है। सर, किस पद पर हैं? मैं सेक्रेटरी हूं यहां के सर। आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है साथियों, सारे हिंदुस्तान भर के ट्रेड यूनियन संगठन ने ये जो फैसला लिया आज का हड़ताल करने का, उसके अंदर हम ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के बैनर के नीचे बैंक एम्प्लॉई हड़ताल पर हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की मांग का समर्थन करते करते साथ में हम लोग की अपनी मांग है कि बैंकों को प्राइवेटाइज ना किया जाए। बैंकों के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है एनपीए का है, उन एनपीए की वसूली के लिए कानून सरकार बनाए। कारपोरेट डिफाल्टर्स जो बैंकों का पैसा मार के बैठे हैं, जो बिल्कुल डिफाल्टर्स हैं, उनको जेलों के अंदर डाला जाए, उनके ऊपर कानून प्रक्रिया लागू की जाए, बैंकों के अंदर आउटसोर्सिंग ना किया जाए, बैंकों के अंदर भर्ती शीघ्र की जाए, बैंकों को मजबूत किया जाए, बैंकों के अंदर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, नई पेंशन योजना को ख़त्म किया जाए, रूरल और जो प्राइवेट कॉरपोरेट बैंक कॉपरेटिव बैंक्स हैं उनको मजबूत किया जाए। इन मुख्य मांगों को लेके और इसी के साथ साथ जो लेबर कानूनों के अंदर बदलाव किया जा रहा है, लेबर कानून के अंदर जो छेड़छाड़ की गई है उसको ना किया जाए, क्योंकि उसके माध्यम से सरकार हायर एंड फायर की नीति लागू करना चाहती है। कोई परमानेंट काम नहीं रखना चाहती, क्योंकि बैंकों के अंदर भी आउटसोर्सिंग बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है, आउटसोर्सिंग बैंकों के अंदर ना की जाए। इन मांगों को लेकर आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। आने वाले समय के अंदर फिर दोबारा हम लोग मीट करेंगे और जो भी ट्रेड यूनियन का हमारी का जो निर्णय होगा उसके अंदर हम लोग आगे का। सर, इस बैंक आज हड़ताल में बैंक कौन कौन सी बैंक के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं? देखिएगा साथी, स्टेट बैंक को छोड़ के बाकी सभी बैंकों के कर्मचारियों ने इस हड़ताल के अंदर पार्टिसिपेट किया है। जो हमारे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के मेंबर हैं, मेजोरिटी कलेक्टर हमारा यूनियन है, उसके सारे के सारे मेंबर आज हमारे हड़ताल। सर, अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे निर्णय क्या लिया जाए? देखिएगा साथी, हम इन मांगों को लेके एक जमाने से आप प्रेस के साथ ही जानते हैं, खास तौर से जो इसी समय जो मैंने नैरेट किया है, इन मांगों को लेके लंबे समय से हम लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं और सरकार उनका अनदेखी करती है, तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे आने वाले समय के अंदर भी हम लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे, सरकार के खिलाफ।